अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम्स वीकेंड सेशन, जिसमें हम कमेंट सेक्शन को और जो वॉल्यूम रीडर्स होते हैं हमारे, या जिनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो ट्रेडर्स का और इन्वेस्टर्स का आ रहा होता है, उसको डिस्कस करते हैं। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूनिटी फूड्स को, हैस्कोल पेट्रोलियम को और टीआरजी पाकिस्तान को। स्टार्ट करेंगे यूनिटी फूड से। यूनिटी की अगर हम सिचुएशन देखें तो यूनिटी ने जो अपना लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसको ओपन किया 35.90 पे, हाई देखा 35.92 का, लो देखा 35.15 का और क्लोज हुआ 35.70 पे। 4 पैसे का इसने गेन किया है जो ट्रांसलेट होता है 0.11% में। अभी सिचुएशन यह है कि 35.10 की इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है और उसके बाद 34.13 और 33.62 का एक बाइंग इंटरेस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। रेजिस्टेंस साइड की बात करें तो 37.24 रेजिस्टेंस है और 38.45 उसके बाद हमारी रेजिस्टेंस बनेगी। इंपॉर्टेंट एरिया जो टू वॉच है और जहां तक ये सेफ है, इसे कोई परेशानी नहीं है, वो 31.80 रुपये की सतह बनती है। अभी इसका RSI 66 पे आ चुका है और MACD जो है उसमें एक जनरेट होता हुआ हम देख रहे हैं सिचुएशन कि थोड़ी सी फ्लैट चल रही है। इस वजह से थोड़ा सा एहतियात के साथ सपोर्ट लेवल्स पे इसे बाय किया जा सकता है। पैराबॉलिक बाय इसका जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। वीकली बेसिस पे अगर यूनिटी फूड्स की बात करें तो वीक इसने ओपन किया था 36.49 पे, हाई देखा 36.95 का, लो देखा 35.15 का, क्लोज हुआ 35.70 पे। 0.46 का इसने लॉस रिपोर्ट किया है जो ट्रांसलेट होता है 1.27% पे। RSI इसका 82 पे आ चुका है। MACD का बाय सिग्नल इंटैक्ट है और जो इसमें एक हमने प्रॉफिट टेकिंग देखनी थी वो आना स्टार्ट हो गई है। वीकली अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 33.40 रुपये और 31.08 रुपये की इसकी सपोर्ट अवेलेबल है और अपसाइड जो इसकी अवेलेबल है हमारे पास वो 37.97 रुपये और 40.42 रुपये की बनती है। स्टॉक ठीक है नज़र आ रहा है अभी तक, गिवन दैट कि ये 31 रुपये वाला जोन जो है उसको रिस्पेक्ट करता रहे तो इसकी जो अपसाइड जर्नी है वो स्टार्ट रहेगी। सपोर्ट लेवल्स पे आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन 31 का जो रिस्क है वो उसे जहन में रख के चलना है। यूनिटी फूड के बाद हमारा जो स्टॉक आता है वो हैस्कोल पेट्रोलियम आता है। हैस्कोल की अगर सिचुएशन देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये ओपन हुआ था 12.21 रुपये पे, 12.60 रुपये का हाई देखा, लो देखा 12.11 रुपये का और क्लोज हुआ 12.22 रुपये पे। 0.05 का ये लॉस है जो ट्रांसलेट होता है 0.41% में। एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर इसने देखा हमारे पास, हमने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया कुछ लास्ट वीक के दौरान। MACD का सेल सिग्नल इंटैक्ट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज़ कि RSI इसका 23 पे आ चुका है जो एक एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड की सिचुएशन है। और वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम इसमें जो है वो लास्ट वीक में कुछ अच्छे जनरेट हुए हैं। ऑल्दो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब हमने इसमें सेलिंग प्रेशर देखा तो वहाँ पे वॉल्यूम भी इसका बहुत अच्छा था। सपोर्ट की अगर बात करें तो 11.69 की सपोर्ट है हमारी और उसके बाद ये जो बहुत बड़ा एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है वो इसका आपका जनरेट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। 10 रुपये से कुछ ऊपर ये बनता है ये लेवल, ये एक रीजन बनता है आपका 10.25 से लेकर 10.50 तक का, 10.25 रुपये से लेकर 10.50 रुपये का एक बड़ा बाइंग इंटरेस्ट है। इससे मज़ीद नीचे ये क्या जाएगा। सो हैस्कोल को बहुत टाइम से हमने डिस्कस किया कि ये एक सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा ले रहा था। अभी क्योंकि RSI इसका 23 पे आ गया है, इट्स नॉट अ बाय कॉल, लेकिन याद रहे कि RSI जो होता है वो अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करता है, बीट बीरिश मार्केट और बुलिश मार्केट। जहां भी स्टॉक जब एक बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन देख लेता है तो वहां से वो अपने आप को एडजस्ट करना स्टार्ट कर सकता है। तो अभी इसका जो रेजिस्टेंस है वो 12.70 रुपये की, 13.74 रुपये की, 14.25 रुपये की और फिर 14.60 रुपये की बनती है। ये इसके अपसाइड टारगेट्स बनते हैं। सिचुएशन कुछ जो है वो इसकी ये जो लास्ट 2 कैंडलस्टिक्स हैं ये शो कर रही हैं कि हो सकता है ये कुछ सेटल होने की कोशिश कर रहा हो। RSI बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से इसमें कोई भी अपसाइड पे करेक्टिव जो है वो पुल बैक आ सकता है, बुलिश नहीं होगा लेकिन स्टिल करेक्टिव जो है वो पुल बैक जो है इसमें देखा जा सकेगा 11.70 रुपये से और फिर 10 रुपये का जो हमने लेवल डिस्कस किया है 10.25 रुपये से लेकर 10.50 रुपये का जो लेवल बनता है वहां से इसमें RSI की करेक्शन जो है वो अपसाइड पे आना स्टार्ट हो सकती है। वीकली बेसिस पे अगर हैस्कोल पेट्रोलियम को हम देखें तो वीक ओपन हुआ था हमारा 14.55 पे, 14.70 का हाई देखा, 12.09 का लो देखने के बाद 12.22 पे इसने क्लोजिंग दी है,
2 रुपये 12 पैसे का लॉस है जो ट्रांसलेट होता है 14.78% पे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि RSI 34 पे आ चुका है, हाईली ओवरसोल्ड कंडीशंस की तरफ ये जा रहा है और इसमें इंटरेस्टिंगली वॉल्यूम्स जो हैं वो अच्छे आना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर लास्ट वीक की हम वॉल्यूम्स की बात करें तो 130.72 मिलियन वॉल्यूम्स का बिजनेस हुआ इसमें, जो कि लास्ट वीक से इम्प्रूव हुआ है और अभी वीकली सपोर्ट इसकी 11.59 और 10.23 की बनती है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 13.49 का लेवल है और उसके बाद 15.26 की बहुत बड़ी हमारी रेजिस्टेंस है। 15.26 इज द लेवल टू क्रॉस जिसके बाद इसमें जो है अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है जनरेट होना स्टार्ट हो। 17 रुपये 8 पैसे उसके बाद हम जो है इसमें देख सकेंगे, लेकिन अभी इसकी सिचुएशन अगेन ऐसे ही है कि बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। बहुत टाइम से हम डिस्कस कर रहे थे कि इससे थोड़ा सा मोहतात रहें, ये जो है वो बिगनर्स के लिए एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं है, बट व्हाट वर्स कैन हैपन देन दिस। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि इसमें कोई जज्बाती किस्म की स्टैंस ना लीजिएगा। राइट इशू भी आ रहा है, राइट इशूज़ जो हैं वो EPS को मज़ीद डाइल्यूट कर सकते हैं, बल्कि इन्फेक्ट करते हैं, और इस वजह से आप जो है ना ग्रीड एंड फियर इज़ द ओनली थिंग दैट ऑपरेट द मार्केट। तो ना बहुत ज़्यादा ग्रीडी होना है, ना बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर एक्साइट हो जाना है। 10 रुपये 23 पैसे अगर तोड़ दिया तो फिर 6 रुपये का लेवल भी ओपन हो सकता है, बट 10.23 लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू मी एज ऑफ नाउ। एसकोल के बाद हमारा TRG पाकिस्तान है। TRG पाकिस्तान ने जो है वो एक सिचुएशन ऐसी बनाई कि इसका RSI बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ओवर हीटेड जोन में चला गया था। अभी RSI 59 पे हो चुका है और आप देखें अगर तो ये ओपन हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 120.90 पे, हाई देखा 121.40 का, 111 रुपये 11 पैसे का लो देखने के बाद ये क्लोज हुआ 114 रुपये 99 पैसे पे। 4.42 का इसका लॉस बनता है डेली टर्म्स में, जो कि 3.70% में ट्रांसलेट होता है। सिचुएशन ऐसी है कि 112 रुपये 87 पैसे की इसकी सपोर्ट अवेलेबल है और उसके बाद 108 रुपये 98 पैसे की सपोर्ट बनती है। अपसाइड की अगर हम बात करें तो 121 रुपये 50 पैसे का पहला टारगेट है, इजी टारगेट बन सकता है ये अगर इसमें वॉल्यूम्स और एक्साइटमेंट आती है। उसके बाद हमारे पास 128 रुपये 14 पैसे और 133 रुपये 61 पैसे बन सकते हैं। 108 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल बनता है इसका, 105 से 108 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है और इसकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो 102 रुपये 50 पैसे पे है। 102 रुपये 50 पैसे जो है वो एक अच्छी सिचुएशन बन रही है। ये नीचे आपको एक ब्लू लाइन भी एक नज़र आ रही है, दोज आर द पिच फ्रॉक स्ट्रैटेजीज जो मैंने यूज़ की हुई हैं इसमें। ये एक अच्छा लेवल बन सकता है, अगर 102 को इसने तोड़ा तो फिर हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे आना मज़ीद स्टार्ट कर दे और 95-96 के एरिए को देख सकता है ये 102 से नीचे आने की सूरत में। लेकिन 108 का लेवल बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एज ऑफ नाउ सर्व कर सकता है। 59 हो चुका है RSI और वॉल्यूम्स जो हैं वो हमें इसमें रिक्वायर्ड होंगे अपसाइड में, ताकि इसमें मजीद जो है वो पॉजिटिविटी आ सके। वीकली बेसिस पे TRG को अगर डिस्कस करें तो लास्ट वीक में TRG जो है उसने ओपन किया था 128.20 पे, 131 का इसने हाई देखा, लो देखा इसने 111 रुपये 11 पैसे का और क्लोज हुआ 114.99 पे। 12.29 का ये इसने लॉस रिपोर्ट किया है 12 रुपये 29 पैसे का, जो कि परसेंटेज टर्म्स में 9.66% बनता है। MACD का बाय सिग्नल इंटैक्ट है आपका डेली वीकली बेसिस पे। RSI 76 पे आ चुका है, जिसका मतलब यह है कि इसकी जो एक करेक्शन ड्यू थी वो तकरीबन जो है वो अपने पहले फेज़ की कंप्लीशन की तरफ हो सकता है जा रही हो। सपोर्ट की बात करें वीकली बेसिस पे तो 108 रुपये 17 पैसे की सपोर्ट वीकली हमारे पास अवेलेबल है और उसके बाद 95 रुपये 43 पैसे की सपोर्ट अवेलेबल है। अपसाइड की बात करें तो 120 रुपये 81 पैसे का पहला टारगेट बनता है इसका और उसके बाद 128 रुपये 23 पैसे की रेजिस्टेंस लेवल बनता है। सिचुएशन इंडेक्स की कुछ ऐसे है कि इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट्स आते हैं वो वॉल्यूम बैग नहीं होते हैं, तो इंडेक्स को थोड़ा सा जहन में रख के जो है सपोर्ट साइड पे बाइंग की जा सकती है। बाइंग की स्ट्रेटजी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस लेवल पे बाय कर रहे हैं। बाय हमेशा आपने सपोर्ट साइड्स पे करना है, जब भी एक स्टॉक जो है वो अपसाइड पोटेंशियल की तरफ जा रहा हो तो सपोर्ट लेवल्स पे आपने बाय करना है। एंड द फार्मूला इज़ वेरी सिंपल कि यू बाय ऑन द सपोर्ट लेवल्स एंड यू सेल ऑन द रेजिस्टेंस लेवल। That is the approach that you should follow for consistent profits in the market. Important ये है कि crowd के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं चलना चाहिए। Reason being
कि आपके जब तक आपकी बाइंग अच्छी नहीं होगी आपकी सेलिंग जो है वो अच्छी नहीं हो सकेगी। तो सस्ता ले के महंगा बेचना इज़ द ओनली फार्मूला। कोशिश करें कि सपोर्ट साइड्स पे आप बाइंग कर रहे हों, रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हों, परसेंटेज टर्म्स में आप अपने जो है वो रिटर्न्स कैलकुलेट करें रादर देन एग्जैक्ट फिगर्स, 1, 2, 3 रुपये, 10 रुपये इसमें कैलकुलेट करने की से बेहतर है कि आप परसेंटेज टर्म्स में देखें कि आपको कितना एक स्टॉक दे चुका है। एक अच्छे प्रॉफिट लेवल पे स्टॉक्स को सेल करना इज़ ऑलवेज अ गुड स्ट्रेटजी। सो कुछ मजीद स्टॉक्स भी इंशाल्लाह लॉन्ग वीकेंड है तो उसमें डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन तकरीबन पूरा कवर करने की। सो अंटिल नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज़।